नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 लाइव, टीम इंडिया का चौथा विकेट गिरा, शिखर धवन 72 रन बनाकर आउट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच न्यू वांडर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों को हालांकि इस सीरीज की तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन का समय मिला है, क्योंकि वनडे सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार को खत्म हुआ है। हरफनमौला खेल के दम पर वनडे सीरीज में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली कोहली की टीम T20 सीरीज में अपने उसी प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी। कोहली पर टीम की जिम्मेदारी होगी। टीम इंडिया के कप्तान बल्ले से शानदार फॉर्म में हैं और वनडे सीरीज में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। उनके अलावा रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पंड्या खेल के छोटे प्रारूप में टीम को मजबूती देंगे। मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जेपी डुमिनी ने टॉस जीता है और भारतीय टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया है। 17 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 175 रन है। रोहित शर्मा 21, सुरेश रैना 15, विराट कोहली 26 और शिखर धवन 72 आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। मनीष पांडे 22 और एमएस धोनी 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं। लाइव स्कोर यह है। दक्षिण अफ्रीका के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला ओवर पेटरसन ने फेंका, जिसकी दूसरी और पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का और आखिरी गेंद पर चौका जमाया। ओवर में 18 रन बने। दूसरा ओवर जूनियर डाला ने फेंका, जिसमें रोहित शर्मा 21 रन, 9 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के, विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। रोहित के स्थान पर बैटिंग के लिए आए सुरेश रैना ने पारी के तीसरे ओवर में एक छक्का और चौका जमाया। इस ओवर में 13 रन बने। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना 15 रन, 7 गेंद, 2 चौके, 1 छक्का आउट हो गए। उन्हें जूनियर डाला ने अपनी ही गेंद पर कैच किया। पारी के वे ओवर में शिखर धवन ने क्रिस मॉरिस को लगातार 2 चौके लगाए। 5 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 60 रन था। पारी के छठे ओवर गेंदबाज जूनियर डाला में 18 रन बने, इसमें धवन ने एक छक्का और चौका जमाया। पारी के 8वें ओवर में कोहली को जीवनदान मिला, जब बाउंड्री पर बहरुद्दीन ने उनका आसान कैच ड्रॉप कर दिया। गेंदबाज थे तबरेज शमसी, इसका पूरा फायदा लेते हुए कोहली ने ओवर में चौका और फिर छक्का जमा दिया। ओवर में 14 रन बने। भारत का तीसरा विकेट विराट कोहली 26 रन, 20 गेंद, 2 चौके, 1 छक्का के रूप में गिरा, जिन्हें तबरेज शमसी ने LBW किया। उनके स्थान पर मनीष पांडे बैटिंग के लिए आए। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 110 रन था। 12वें ओवर में धवन ने टीम में अपना चौथा अर्धशतक 27 गेंदों पर पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के जमाए। भारतीय टीम का चौथा विकेट शिखर धवन 72 के रूप में गिरा, जिन्हें फेलुक्वायो ने विकेटकीपर क्लासेन से कैच कराया। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।